घर के कामों में खुशी ढूंढना क्या यह पॉसिबल है क्योंकि एक टाइम के बाद घर के काम इतने बोरिंग लगने लगते हैं। कर तो हम जरूर रहे हैं लेकिन मजबूरी में उस वक्त ये लगता है कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली जाए लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर एक दिन के लिए हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो घर की हालत खराब होनी शुरू हो जाती है तो सोचो हमने ब्रेक ले लिया तो क्या होगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है हरगिज़ भी नहीं तो सोलूशन ढूंढना है, है अस्सलाम अल्लामक मैं हूँ महरीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं महरीन अब्बासी व्लॉग्स तो अगर आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो अभी मुझे एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो पे ख़ुशी खुशी कंटिन्यू करूँ तो सच में काफ़ी दिनों से घर के काम बच्चों के काम कंटिन्यू करती हूँ और कर रही थी तो सोच रही थी एक दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि एक ब्रेक ले लूँ और यकीन ये पॉसिबल नहीं है घर से कितनी दूर भागूंगी या अम्मी के घर या किसी के भी घर कितने ही दिन रह लेंगे वहाँ पे जाके वापस हमें यहीं आना है तो क्यों ना कुछ ऐसा सलूशन ढूंढा जाए कि घर में रहते हुए हम खुशियाँ ढूंढ सकें अपने लिए तो इसकी शुरुआत होती है सुबह से तो दिन की शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपना बेड बना लें क्योंकि ये काम सुबह की शुरुआत बिल्कुल सही से करता है और साफ सुथरी चीज़ें तो हमें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं आँखों को सुकून पहुँचाती हैं और आपको आपके बेड पर सबसे ज़्यादा सुकून मिलता होगा यकीनन क्योंकि आप सुकून के घर से यहां आती हैं तो बस मैं भी अपने सुकून के घर से अपने बेड पे आती हूँ अपने सारे काम इसी बेड पे बैठ के करती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मेरा बेड नीट और क्लीन है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने में और यहाँ से मुझे लगता है कि मेरी इस पॉइंट से मेरे घर की सफाई का आगाज़ होता है तो शुरुआत अपने सुकून और आराम वाली जगह से करते हैं बस यहाँ मैंने बेड बना लिया था और मुझे लगता है जब मेरा बेड नीट और क्लीन हो मेरी चादर साफ़ सुथरी हो तो मुझ में बहुत एनर्जी आती है और मुझे जैसे जैसे मैं ग्रोइंग पीरियड से आगे जा रही हूँ थोड़ी अपने आप में मैं मिच्योरिटी भी फील कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे साफ़ सुथरी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं तो बस यहाँ मैं आ गई थी लाउंज में कुछ काम बर्डन से लगने लगते हैं दिल बिल्कुल नहीं करता एक जैसी चीजें देखते देखते दिल अजीब सा हो जाता है तो उसे दूर करने के लिए चीजों को इधर से उधर करते रहना चाहिए अब ऐसा है कि उनसे खुशियाँ तो मिलेंगी पर यह कि आपको जब नई चीज़ देखने को मिलेगी तो आपको अच्छा लगेगा तो बीच बीच में थोड़ा सा इधर उधर अपनी चीज़ों को करते रहा करें बेडरूम तो ऑफ कोर्स मैं नहीं कर सकती तो यही है कि इधर से उधर ये फ्लावर वास करती रहती हूँ और सोचती हूँ कि अब कैसी चेंजिंग करूं कि मेरी आंखों को अच्छी लगे और मुझे दोबारा से काम करने में मज़ा आए तो बस कुछ सोच रही हूँ सेटिंग्स का कि कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि मेरी आंखों को अच्छे लगे और मैं सफाई करने में और अपने घर के काम करने में मुझे इंटरेस्टिंग फ़ील हो तो बस कुछ नयापन आ जाता है कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं आपके घर में आपकी वॉल्स पे आपकी सेटिंग्स uh, में तो आप को आंखों को भी अच्छा देखने को लगता है और आपको कुछ नया भी लगता है और आपको मजा भी आता है तो बस यहाँ लाउंज में कंप्लीट कर चुकी थी और मुझे याद आया कि मैंने इतने दिनों से मेरे शूज वैसे के वैसे ही रखे हुए थे तो उसको ऑर्गेनाइज करना था तो बस यहाँ मैंने अपने सारे शूज़ वग़ैरह ऑर्गेनाइज करके रखने शुरू करे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरी सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर वे में सेट होंगी तो मुझे ख़ुद भी खुशी होती है और किसी को अगर नजर आए मेरी अलमारियां खुलते में जो कि हर वक्त मेरी बच्चियां खोलती हैं तो मतलब इतना बुरा ना लगे सेटिंग से चीज़ रखी हुई हो ये मुश्किल से दो तो से तीन मिनट का टाइम लगा है मुझे करने में पर क्या मुझे सुकून आ गया कि अब मेरी जब भी अलमारी खुलेगी तो सामने से मेरी चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज नज़र आएंगी और मैं आपको बता रही थी कि जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं और आपके बच्चे ऐसे होते हैं कि आपको चार से पाँच घंटे का सुकून देते हैं और फिर आपको लगता है कि आपके बच्चों की अपनी अपनी मसरूफियात शुरू हो गई हैं तो हमारा घर भी ऑटोमेटिकली साफ़ रहना शुरू हो जाता है तो मुझे भी इस पॉइंट पर लग रहा है कि अब मेरा घर माशाल्लाह से साफ रहने लग गया है क्योंकि मेरे बच्चे हो गए हैं बिजी अपनी पढ़ाई में ट्यूशन में और सबसे बड़ी बात है घर आके वो अपना अपना खेलते हैं हशाम अपना मोस्टली टीवी वॉच करता है मैच का मैच के लिए और जो मेरी बेटियां हैं वो बस अपने टॉयस फैला के खेलती हैं और वो जब भी जाती हैं टॉयज से खेलते हुए तो वो उठा के समेट के जाती है क्योंकि ये बात मैंने उनको बहुत अच्छे से बताई हुई है कि समेटना लाजमी है तो बस यहाँ दस से पंद्रह मिनट अपने घर को ऑर्गेनाइज करके साफ सुथरा करके मैं आ गई थी और मैंने सोचा कि अगर सबसे पहले कुछ बनाना है तो सबसे पहले चिकन को रख देना है मैरिनेट होने के लिए मैरिनेट नहीं सॉरी उसको पिघलने के लिए पानी डाल के मैंने उसको थोड़ी देर पिघलने के लिए रख दिया था ताकि थोड़ा सा वो आ, अच्छी तरीके से नरम हो जाए ताकि मैं उसको दोबारा से वॉश करके कुछ पकाने की तैयारी करूँ तो जब तक वो नरम हो रही थी तो फिर मैं यहाँ आ गई किचन में अपने और मैंने सोचा कि जहाँ खाना पकाया जाए अगर वो जगह भी आपकी गंदी हो और मैस हो तो फिर मुझसे तो वो काम नहीं होता मैं चले चलते भी फिरते पांच मिनट से ही इस चूल्हे को साफ कर देती हूँ क्योंकि अब आंखों को अच्छी लगने लगी है साफ सुथरी चीजें और जब आपको आपके अंदर से आवाज आती है कि साफ सुथरी चीजें अच्छी लग रही हैं तो फिर वो आपकी इनर वॉइस होती है उसको दबाना नहीं चाहिए हाँ मजबूरी कहते हैं तो कोई काम नहीं करें जो काम खुशी खुशी कर रहे हैं वो काम करें अपने ऊपर बर्डन लेके मत करें जब जिस चीज़ का दिल चाहे वो करें तो आज मेरा जिस चीज़ का दिल चाह रहा था मैंने बोला मैं अपनी YouTube फैमिली से वो शेयर करती हूँ मतलब जो मैं सोचती हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मुझे वो काम करना है तो अच्छा मैं यहाँ आपको एक बात बताऊँ कि ये मेरे काम को बहुत इजी तो बनाती है और पर मैंने इसको अपनी वॉशिंग मशीन को बहुत दिल से लिया था क्योंकि ये मेरे काम बहुत आसान बना देती है मुझे याद है जबकि मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे धोने में कितना वक्त लगता था कपड़े क्योंकि कपड़े एक दो नहीं होते थे खासकर छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़ा इम्तहान था कपड़ों का काम तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह तो एक या दो कपड़े होते हैं जब छोटे थे तो एक तो माशाल्लाह चार चार कपड़े उतरते थे और अब और टाइम भी बहुत लग जाता था सच में अब इस मशीन आने के बाद मेरी जिंदगी इतनी आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैं इसको हर वक्त साफ़ सुथरा रखती हूँ इसके अलावा आपको एक और चीज़ खुशी देती है और वो होती है अपने आप में खुश रहना तो बस मेरा एक ही लॉजिक है कि अपने आप में खुश रहें अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूँढें इधर से उधर बातों पर ध्यान मत दें और सबसे बड़ी बात जब आपका दिल करे जिस चीज करने का आप वो करें अपने दिल को हरगिज मत मारिए अपने आप को इंगेज रखिए तो फालतू चीजें या फालतू बातों को सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं होगा अपने लिए वक्त निकालें अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें और बस अपनी खुशियाँ छोटी छोटी इसी घर में अपनी खुशियां ढूंढ लें क्योंकि ये घर आपकी जन्नत है और आपने खुद ही अपनी जन्नत बनानी है तो बस आज का मेरा यही टॉपिक है कि आपने अपनी खुशी खुशी किस तरह इंजॉय होके इंजॉय करके अपनी काम करने घर के क्योंकि करने तो आपने ही हैं बाहर से कोई भी नहीं आने वाला आप कितनी ही हेल्पिंग हैंड्स रख लेंगी आप कितनी ही मेड रख लेंगे एट द लीस्ट एट द टाइम आपने खुद ही उठना है और अपना काम खुद करना है तो बस यहाँ मैंने सोचा कि आज मैं अपने बेटे की पसंद की बना लेती हूँ निहारी क्योंकि बच्चों को तीनों को ही पसंद है तो इन तीनों की पसंद के लिए मैंने निहारी चढ़ा दी और मैंने सोचा कि जब तक ये नहारी का काम हो रहा है डन मैं इधर बाथरूम में आ जाऊं अच्छा अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं वॉच किए जो कि मैंने किचन क्लीनर और बाथरूम क्लीनर बनाया था तो वो बना लें आज भी मैं उसी से ही वॉश कर रही हूँ इसमें इतनी झाक बनती है कि मेरा सिंक कम्बोर्ड सब बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो जाता है तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लिया था वॉश करना मैं आपको नहीं दिखा सकती वो सब मेरी बहनों को आता है तो बस यहाँ मैंने अपना बाथरूम भी क्लीन कर लिया था और लुक पौने बारह बजे मेरा घर बिल्कुल नीट और क्लीन था और मेरा खाना रेडी था मैंने आटा भी निकाल के रख दिया था और ये जस्ट वीडियो इसलिए है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं कि आपका घर है आपको खुद काम करना है आपने उठना है और अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट करना है और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरा घर हो गया नीट और क्लीन तो बस इस बात की खुशी होती है कि कुछ टारगेट्स अगर आप अपने माइंड में सेट कर लें तो वो टारगेट्स आप बिल्कुल पूरे कर सकते हैं तो यहाँ मैं जा रही थी फ्रेश होने क्योंकि आप हैं तो सब हैं आपको खुश होना ज़रूरी है आपको मेंटली तौर पे रिलैक्स होना जरूरी है आप अगर पॉजिटिव हर चीज़ को लेंगे तो आपका घर का माहौल भी अच्छा रहेगा तो बस मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि अपने आप को भी अच्छा रखूं, रेडी होइए अपने ऊपर ध्यान दिए और सबसे ज़्यादा अपनी अहमियत दीजिए अपने आप को क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं खुश होती हूँ तो पूरा मेरा घर खुश होता है और अगर आप इरिटेट हो रहे हों तो उसका गुस्सा आपकी इरिटेशन आपके घर पर बहुत असरअंदाज होती है और घर का माहौल ख़राब होगा सो अपने आप को अहमियत दें और अपना ध्यान रखें बस यहाँ मेरे बच्चे आ गए थे मैंने उनको फ्रेश करा लिया था और मैं खुद भी फ्रेश हो गई थी और नमाज़ पढ़ने के बाद इनको खाना खिलाने के बाद फिर मुझे याद आया कि एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ क्योंकि हर वक्त इंसान परफेक्ट नहीं रह सकता मेरे व्लॉग्स अधूरे ही सही पर मेरी जो रूटीन है जो मेरे दिल से जो रूटीन होती है मैं वो आपसे शेयर करती हूँ और जो मुझे लगता है कि ये आपसे शेयर करने चाहिए तो मैं इतना ही करती हूँ तो बस यहाँ मैंने अपनी मुनियों को भी फ्रेश करा दिया था आरू शुरैन को और इनको पता नहीं मैं क्या बात बोल रही थी मैंने बोला तुम लोगों को दिखाऊंगी तो बच्चे मेरे ब्लॉग्स में कंटिन्यू रहेंगे तुम लोग मेरे कार्टून हो तो बस इस बात पे ये हंस रही थी अपने टॉयज फैला के बैठी हुई थी डिस्पेंसर वगैरह सब करके और इसके बाद होने वाले थे चार और जो के चार से छः मेरा होता है रिलैक्सिंग टाइम पीछे देख लें सवा तीन हो रहे थे इसके बाद मेरा अब यहाँ मैं इनको छोड़ने के लिए जा रही थी क्योंकि वो जो दो घंटे हैं उसमें मैं असर और मगरिब की नमाज़ तो खैर बीच में है ही पर उसमें ऐसा करती हूँ कि मैं अपने लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ और अपना वक्त इन्जॉय करती हूँ तो अपने लिए टाइम निकालिए और वो दो घंटे मेरे लिए वाकई बहुत अच्छे होते हैं कि मुझे पता होता है मेरा खाना बना हुआ है मेरा सारा काम कंप्लीट है अब मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर हाफिज़